संसद के बजट सत्र में देश में पेयजल आपूर्ति सहित जल संकट की गंभीर चुनौतियों पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। सावन का महीना हो या भादों का महीना हो, जब पहले की औरतें जब खेतों में रोपा डोपा किया करती थीं, तो उन्हें मालूम था कि हमें फला गाना गाएंगे तो बारिश होगी, और बारिश हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से आज वैसा माहौल नहीं है। सर, मैं जिस इलाके से आता हूँ, कोसी मिथिलांचल का इलाका, सर हमारे यहाँ चापाकल, आज अगर किसी की यहाँ शादी है तो मेरे घर से उखाड़ के दूसरे घर में लग जाता था सर। किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं थी, लोग खुद कर लेते थे। आज 200 फीट नीचे वाटर टेबल है सर। मिथिलांचल में तालाब सूख गए हैं और तालाबों में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तमिलनाडु गैस टैप्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस सरफेस वाटर रिसोर्सेस एंड हैज टू लुक सोर्सेस बियॉन्ड इट्स फ्रंटियर्स टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्राउंड वाटर इज नॉट एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर, it is limited one and we have to use it and recharge it। देश की जो कुल प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर्स थी, वो घटकर के अब 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर्स बच गई। लगभग एक तिहाई से भी कम हमारे पास में जल प्रति व्यक्ति बचा है। लेकिन यदि इसको मैं दूसरी तरह से देखूं, तो जल की उपलब्धता, जल का संचय और जल की कुल मिलाकर के उपलब्धता जो उस समय में होती थी, जो 1951 के समय में होती थी, उसमें लगभग परिस्थिति वही है। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन क्योंकि देश की जनसंख्या 1951 के बाद में 3 गुना बढ़ी है, ये उसका परिणाम है कि देश आज जल के इस संकट के से जूझ रहा है। जल का ये संकट हमारे सामने खड़ा है। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।